तो आपको बता दूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना, जब आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे एक साल का जो सेशन है आपका, कह सकते हैं जून में आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई थी, लास्ट जून में क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई थी और मई में आपका पेपर है, तो पहले 6 महीने में आपने जितना जान लगाया, जितनी एनर्जी से आपने क्लासेस स्टार्ट की थी और पहले 6 महीने तक खूब जान लगा के आपने पढ़ा, अगर उसका आउटपुट एक्स है, उसकी एफिशिएंसी अगर हम मानते हैं कि एक्स है, अगर आप उतनी ही जान लगा के इस 5 महीने में पढ़ते हैं, आने वाले 5 से 6 महीने में पढ़ते हैं, तो उसका जो आउटपुट होगा ना वो 2x होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? होता है, वो इसलिए होता है कि सोचो तुमने जो जुलाई में पढ़ा था, अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है और मई में जब तुम पेपर दोगे, तो बस ये बात है कि उसका जो एफिशिएंसी था वो इतने टाइम गैप के बाद डिक्रीज हो जाएगा थोड़ा सा। तो इसीलिए हमेशा कहते हैं, हो सकता है कि आपने कुछ 2-4